देखो, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये सब चीज़ें मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। ये स्पिनच एंड कॉर्न वाली कोई भी चीज़ मत मंगाना। एक अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है देबाद्री भट्टाचार्य ने, पनीर टिक्का सैंडविच। मेरे से लाखों करोड़ों गुना बेटर लोग बहुत ज्यादा ओवर प्राइस है। तो भाई बात है कुछ ऐसी, आज मैंने ऑर्डर कर रखा है कैफे कॉफी डे का फुल मेन्यू, मतलब जितने भी फूड आइटम्स अवेलेबल थे वो सभी मैंने ऑर्डर कर रखे हैं, और आज मुझे अपने बिल पे मिला है 400 रुपीज़ का डिस्काउंट। मतलब मेरा बिल था ऑलमोस्ट 2700 का और वो मुझे पड़ा है 2200 समथिंग का। और ये डिस्काउंट सिर्फ कैफे कॉफी डे में नहीं, बल्कि अगर आप मैकडॉनल्ड्स, फासोस, टाको बेल, बहरूज बिरयानी, हल्दीराम एक्सेट्रा से फूड ऑर्डर करते हो तो भी मिलेगा। सो अगर आप मैजिक पिन के थ्रू इनमें से कोई से भी फूड आउटलेट से फूड ऑर्डर करते हो तो फिर आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर पे मिलेगा 70% का डिस्काउंट। इसके ऊपर से अगर आप लोग मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हो तो फिर आपको मिलेंगे 1000 मैजिक पॉइंट्स, एंड 1 मैजिक पॉइंट इज इक्वल्स टू 1 रुपी। सो इन अ टोटल आपको मिलेंगे 1000 रुपीज़। और बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप अपने पुराने ऑनलाइन या ऑफलाइन बिल्स की पिक्चर क्लिक करके मैजिक पिन पे अपलोड करते हो तो आपको मिलेंगे मैजिक पॉइंट्स, और इन सभी मैजिक पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हो बाकी ब्रांड्स के वाउचर खरीदने के लिए, या फिर टू गेट डिस्काउंट्स ऑन इंडियाज बिगेस्ट ब्रांड्स अक्रॉस फूड, फैशन, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी एक्सेट्रा। अब इसे बोलते हैं असली सेविंग। लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर रखा है, डू चेक इट आउट। टोटल है 20 आइटम्स। मैं ट्राई करता हूँ कि फटाफट से खोल दूँ इससे पहले कि सब कुछ ठंडा हो जाए। हनी एंड ओट मील कुकीज, यह है चोको चिप कुकीज, नाइस। ये सभी आइटम्स हैं इनके डेजर्ट में। पीछे के साइड सारे आइटम्स जो रखे हैं वो हैं इनके स्टार्टर्स में। सेंटर में 3 सैंडविचेस हैं वो हैं इनके मेन कोर्स में। पीछे की साइड मेरे पास इनका एक स्पिनच नाचो चिप्स पड़ा है और एक मसाला ट्विस्ट बनाना क्रिस्प पड़ा है, एक हॉट बेल्जियन चॉकलेट। अगर आप सभी ईटेबल आइटम्स ऑर्डर करते हो तो ऐसा कुछ दिखता है कैफे कॉफी डे का फुल मेन्यू। और ये मेरे पास है एक डेविल्स ओन करके था कुछ इनका, वो है आई लेट यू नो। अब देखो बिल टोटल है 2200 समथिंग और इतने सारे आइटम्स हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, तो मैं एक एक करके जैसे जैसे ट्राई करूंगा मैं वैसे वैसे बताता रहूंगा कि कौन सा आइटम क्या है। एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, मैंने आज मम्मी डैडी के लिए किया था डोमिनोज ऑर्डर, मम्मी का बहुत मन कर रहा था। अब डोमिनोज मंगाया है तो डबल चीज़ मार्गरीटा को देख के मैं थोड़ा ललचास आ गया, तो मैंने भी अपने लिए एक डबल चीज़ मार्गरीटा मंगा दिया था। और इसकी शक्ल देखो, बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है। डोमिनोज से स्टार्ट करते हैं ताकि थोड़ा मेरा मूड एकदम फ्रेश फ्रेश सा हो जाए। सो थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। लेट्स डाइव इनटू दिस। अरे नाइस यार, ओल्ड डेविल्स ओन गजब, पनीर टिक्का गार्लिक ब्रेड, ये नहीं आए तो मेरा वीडियो अधूरा है। ये था टोस्टी पनीर गार्लिक ब्रेड, ठीक था। आलू समोसा इन्होंने नहीं भेजे, बट एनीवे ये ट्राई कर देंगे स्पिनच एंड कॉर्न गार्लिक ब्रेड। जो घर में हमारे स्पिनच बनता है ना, एग्जैक्टली वैसी डिश कर रहा है।
नाइस। बट अगर आपको हरी सब्जियां नहीं पसंद तो ये स्पिनच वाला मत मंगाना। ये है इनका नॉर्मल गार्लिक ब्रेड। ऑनेस्टली बताऊं तो अभी तक ये मेरे को बेस्ट लगा। चिली चीज टोस्ट ओह स्पाइसी हो रहा है। चिली चीज टोस्ट स्पाइसी तो होना ही था। नाइस। आई बिलीव जब ये गरम गरम होगा ना, अगर आप सीसीडी में बैठ के खाओ तो ऊपर ये पूरा का पूरा मेल्ट हुआ होता होगा। ये मेल्ट हो रखा होता अगर गरम गरम होता। स्मोक्ड चिकन गार्लिक ब्रेड। ये स्मोक्ड चिकन है इनका। एंड के लिए बचेगी। पहली बार मैंने कुछ ऐसा टेस्ट किया। जब मेरी मानो तो कभी कॉफी कॉफी पियोगे तो नॉर्मल गार्लिक ब्रेड के साथ ही पीना, बहुत ही बेहतरीन हो रहा है। आज से एक ही बार कैफे कॉफी डे गया हूँ। ये सब चीज़ें मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। उसकी चिली हिट कर रही है बढ़िया। ये एंड तक के लिए बचेगा इनका स्मोक्ड चिकन गार्लिक ब्रेड। अरे देखो मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, ग्रीन कलर के नाचोस। अब ऑब्वियसली स्पिनिच नाचोस हैं तो बनता है इनका ग्रीन होना, बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ग्रीन होंगे। बट बहुत कम है। बनाना क्रिस्प, ये तो मैंने पहले भी खा रखा है, मतलब ये वाले नहीं। बट केले की चिप्स तो बहुत लोगों ने खा रखे होंगे। में से एक खाते हैं उसके बाद अपना रीति रिवाज स्टार्ट करेंगे। स्पिनिच वाला खाएं क्योंकि उसमें सब्जी का टेस्ट आ रहा है, वो सबसे पहले खत्म करते हैं। ये दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा गजब लग रहा है, स्पिनिच एंड कॉर्न सैंडविच। लेट्स सी हाउ इट इज। ऐसा लग रहा है घर में पालक की बनी हुई सब्जी डाल दी उसमें। और ये दिखने में आपको लगेंगे सबवे के सैंडविचेस की तरह, बट वैसे नहीं है। अगर आपका टेस्ट थोड़ा बहुत भी मेरी तरह है ना, ये स्पिनिच एंड कॉर्न वाली कोई भी चीज़ मत मंगाना। और आज शायद से दूसरी बार है कि मैंने अपने वीडियोस में कॉफ़ी मंगाई है। 9:30 से ऊपर हो चुका टाइम और मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ। कॉफ़ी से हमें कैफीन मिलता है, तो जब भी हम कॉफ़ी पीते हैं तो उसके 12 घंटे बाद तक ही हमारे सिस्टम में रहती है। मतलब इसे 12 घंटे लगते हैं फ्लश आउट होने के लिए।
और जब तक कॉफी हमारे सिस्टम में रहती है तब तक हमारी बॉडी में मेलेटोनिन रिलीज नहीं होता है, और मेलेटोनिन का डायरेक्ट रिलेशनशिप है एक अच्छी नींद से। वो रिलेशनशिप मैं किसी और दिन समझाऊंगा, बट अभी मोटा मोटा ऐसा समझ लो कि जब भी हम कॉफी पीते हैं तो हमें क्वालिटी स्लीप नहीं आती है अगले 12 घंटे तक। इसलिए कॉफी हमेशा सुबह के टाइम पीनी चाहिए ताकि आपको रात के टाइम पे एक क्वालिटी स्लीप आए, और क्वालिटी स्लीप में ही हमारा मेलेटोनिन रिलीज होता है और वो बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। बल्कि मैंने एक वीडियो बना भी रखा है मेलेटोनिन पे। अगर आप में से कोई भी वेट लॉस वाला है या मसल बिल्डिंग वाला इंसान है जिसको मतलब फिटनेस में थोड़ा सा शौक है तो मेलेटोनिन वाला वीडियो मेरा देख सकता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मेलेटोनिन बहुत तगड़ी चीज है, डबल चोको चिप। या तो स्पिनिच की वजह से मुझे थोड़ा अलग सा टेस्ट आ रहा है इसका, या इसका टेस्ट ही थोड़ा अलग है। आज इतना मीठा है कि मेरी हालत खराब होने वाली है। बट एनीवे, आज का रीति रिवाज स्टार्ट करते हैं। सो मेरे लास्ट मकबैंग में फर्स्ट कमेंट किया है नूब कपूर ने, सेकंड कमेंट किया है तनिष सैनी ने, और थर्ड कमेंट किया है तुषार जायसवाल ने, और मेरे लास्ट व्लॉग में फर्स्ट कमेंट कर रखा है अर्जुन मोरे ने, अर्जुन मोरिया मोरे, आई एम रियली सॉरी नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो सेकंड कमेंट कर रखा है देवी प्रसाद ने, और थर्ड कमेंट कर रखा है अमित प्रधान 4 ने। सो मयंक बसी ने पहला क्वेश्चन पूछ रखा है, आपने स्पाइडरमैन नो वे होम देखा क्या? भाई मैंने कल ही देखी है स्पाइडरमैन नो वे होम, सिर्फ इसलिए देखी तो तीनों का रीयूनियन मेरे को देखना था कि किस तरह से उन्होंने एग्जीक्यूट कर रखा है। और हाँ, ये सिद्धांत रैना ने क्वेश्चन पूछ रखा है, और भी बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछ रखा है मेरी हाइट से रिलेटेड कि मेरी हाइट कितनी है, कुछ एक्सरसाइजेस हैं तो प्लीज बता दो हाइट के लिए। जीन्स पे डिपेंड करता है क्या है क्या नियम, भाई मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लोग देख रखे हैं जिनके पेरेंट्स छोटे होते हैं लेकिन वो खुद बहुत लंबे होते हैं, बहुत से ऐसे देखे हैं जिनके पेरेंट्स लंबे होते हैं लेकिन बच्चे छोटे होते हैं, और बहुत से ऐसे भी देखे हैं जो बचपन से ही लटकते रहते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं लेकिन हाइट नहीं बढ़ पाती, और कुछ ऐसे भी देखे हैं जो बिना कुछ करे 6 फुट और रखे हैं। तो जहाँ तक कि मेरा ख्याल है पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। रही मेरी हाइट की बात तो मैं हूँ 5.6। एक अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है देवाद्री भट्टाचार्य ने, भाई फिट रहने के लिए जिम जाना मस्ट है क्या? बिल्कुल भी नहीं, मेरे हिसाब से फिट का मतलब ये हुआ कि अगर आप स्लिम हो, आपके बॉडी में एक्स्ट्रा फैट नहीं है, आपकी बॉडी अंदर से एकदम क्लीन है, अंदर से हेल्दी है, तो मेरे हिसाब से आप फिट हो, और इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए जिम की ज़रूरत नहीं होती है। जिम की ज़रूरत आती है अगर आपको बॉडी को टोन करना है, आपको कटिंग लानी है, आपको मसल्स चाहिए बड़े बड़े, तो डेफिनेटली जिम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट पतले रहने के लिए और अंदर से आपकी बॉडी हेल्दी रहे, उस चीज़ के लिए आपको जिम जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओटमील कुकी बहुत ही बेहतरीन हो रहे हैं, मैं खुद 4-5 महीने से जिम नहीं गया हूँ। मुंबई जाने से 1 महीने पहले मैंने जिम किया था, उससे पहले 5-6 महीने मैंने जिम नहीं किया, अभी भी मैं नहीं करता हूँ, बट मुझे अब करना है। पनीर टिक्का सैंडविच, बाहर से कुछ ऐसा है दिखने में, सॉस दे रखे हैं लेकिन सॉस मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, बट मजबूरी में हर चीज के टेस्ट को ओवर पावर कर जाता है, मीठा कर दिया पूरे के टेस्ट। ₹180 का, आज में ₹50 का भी पनीर नहीं होगा, हर का ये ब्रेड कितने का जो होता होगा, बहुत ज्यादा ओवर प्राइस है, टेस्टी हो रही है बहुत ज्यादा, ऊपर ऊपर ऐसे क्रीम थी, ओहो यार। सलीम इरशाद ने काफ़ी बड़ा सा कमेंट कर रखा है और काफ़ी टचिंग कमेंट है, अगर आप लोग मेरे से इंस्पिरेशन डिराइव कर रहे हो तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि मेरे से
लाखों करोड़ों गुना बेटर लोग यूट्यूब में हैं जिनसे आप लोग इंस्पिरेशन ले सकते हो। हाँ, अगर आप फूडी हो तो डेफिनेटली आप मेरे से इंस्पिरेशन ले सकते हो कि मैंने अपने शौक को अपना करियर बनाया है। चिकन सैंडविच, आई बिलीव ये अच्छा होने वाला है। सेम यही वाला चिकन है ना, बट ये ब्रेड की वजह से बहुत ज़्यादा सूखा है। ये देखो, ये इतना मोटा ब्रेड है, कैसे गले से नीचे उतरे खाई। और ये इनका बेल्जियन हॉट चॉकलेट है, बॉर्नविटा जैसा हो रहा है यार, ये मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये लोग चीज़, मेयोनीज़, कोई चटनी ऐसा कुछ डाल देते हैं, कुछ बिगड़ तो नहीं आता। प्रतीक प्रसाद ने पूछ रखा है हाउ टू प्रोनाउंस योर नेम, ये चीज़ मेरे से बहुत लोग पूछते हैं क्योंकि नाम ही ऐसा है। अक्षांशु, अक्षांशु, अक्षांशु है मेरे नाम का सही प्रोनाउंसिएशन, अक्षांशु असवाल। मुझे इसे ख़राब करना चाहिए या नहीं, बट ये बढ़िया हो रहा है, उसके टेस्ट में कुछ फर्क नहीं पड़ा, वैसे का वैसे ड्राई, ये बढ़िया हो रहा है। बहुत लेट हो चुका है, वो ट्राई करते मिट्टा। ब्राउनी को गरम करके खाते हैं क्या? मुझे नहीं पता। बनाना केक ट्राई करते हैं, कभी भी नहीं ट्राई किया मैंने। क्यों बनाया जाता है बनाना केक? बनाना केक से अच्छा तो बनाना चिप्स हो रहे हैं, टेस्ट तो आ रहा है इनमें। कोको फैंटेसी पेस्ट्री, अब आया कुछ स्वाद। मजा आ गया। मफिन, मुझे लग रहा है इनको ना गर्म करा जाता होगा तभी ये थोड़े से सॉफ्ट होते होंगे, अभी तो पत्थर जैसा हो रहा है, ऐसे डोल रहा है। मैं एक चूरा हो चुका है, अब इस चूरे को मैं कैसे स्पून से उठाऊं? ये भी डन। अब आ जाते हैं मेरे व्लॉगिंग वाले चैनल के कमेंट्स हैं, थोड़े बहुत कमेंट्स लेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। यार बहुत गजब हो रही है। चंद्रा ने कमेंट कर रखा है, अरे यार इस उम्र में शुगर नहीं खा रहे हो और कब खाओगे? बोल तो मैं आज की वीडियो में शुगर खा रहा हूँ, बट मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, मुझे शुगर का जब शौक ही नहीं है तो मैं ज़बरदस्ती शुगर नहीं खाऊंगा। बचपन से ही मैं चाय नहीं पीता हूँ, कॉफ़ी नहीं पीता हूँ, ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ मैं, अदरवाइज चाय कॉफ़ी कुछ नहीं पीता हूँ। मीठे में मेरे को डेजर्ट्स नहीं पसंद आते, दो तीन महीने में एक बार ही होता होगा कि मैं कोई डेजर्ट खा रहा हूँ। शुगर से मेरा दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं है, इसीलिए मेरे लिए शुगर छोड़ना एक बहुत ही ईजी टास्क था अपने वेट लॉस के टाइम। ऑल दो आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा शुगर ले रहा हूँ, बट पाँचों पंजाब ने कमेंट कर रखा है, योर लास्ट लाइन अबाउट फुलफिलिंग योर डिजायर्स थ्रू हार्ड वर्क रेदर देन आस्किंग योर पेरेंट्स टू बाय इट फॉर यू इंस्पायर्ड मी अ लॉट अक्षांशु, लॉट्स ऑफ लव फॉर शेयरिंग सच विजडम। जो मैं स्नीकर्स वगैरह ले रहा हूँ, कपड़े वगैरह ले रहा हूँ,
ये पहले मैंने कभी भी नहीं किया, और किया है तो घर वालों के पैसे से किया। अब जब मैं खुद की अर्निंग से कर रहा हूँ तो वो उसका एक अलग ही मज़ा है यार, इसलिए मैं वो एक्सपीरियंस अपने व्लॉग में शेयर करता हूँ। और आप जैसे बहुत से लोग हैं जो उसको इंस्पिरेशन या मोटिवेशन या एक पॉजिटिव वे में लेते हैं, क्योंकि मैंने सेम ऐसे कमेंट्स बहुत सारे पढ़े हैं लास्ट वीडियो में। और वहीं इक्का दुक्का ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को शो ऑफ बोलते हैं, बट वही बात है, कुछ लोगों के लिए ये गिलास थोड़ा सा भरा हुआ है और कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा खाली है, सोच सोच की बात है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, तो हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच। शुभम भट्ट ने बोला गया, स्नीकर्स आर अमेजिंग, सनग्लासेस आर फैबुलस, नाउ यू आर रियली मोटिवेटिंग मी। अच्छी बात है, अगर इन सब चीज़ों को आप पॉजिटिवली ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। थैंक गॉड आज ज़्यादा सोडियम वाली चीज़ें नहीं थी, इसलिए बिना कोक के काम चल गया। बेस्ट यही हुआ, स्मोक्ड चिकन गार्लिक ब्रेड। डेजर्ट सारे अच्छे थे, नो डाउट, कॉफ़ी इनकी हमेशा की तरह अच्छी होती है। आई थिंक इसी रेंज में सब्वे के सैंडविचेस मिल जाते हैं, सब मिल जाते हैं, मैं डेफिनेटली उनको प्रेफर करूँगा ओवर कैफे कॉफी डे। डबल चीज़ मार्गरिटा चीज़ पर स्पेस के साथ 3 slices बचा है, डेफिनेटली इसे खा लेता अगर ये थोड़ा सा भी मेरे को इसमें टेस्ट आ रहा होता, बट नहीं आ रहा है। जस्ट अ रिमाइंडर, ये सब खाना मैंने आज ऑर्डर करा था मैजिक पिन के थ्रू, और उसकी वजह से मुझे 400 rupees का डिस्काउंट मिला था। आप लोग भी ऐसा डिस्काउंट पाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मैजिक पिन को डाउनलोड करो, मेरा रेफरल कोड यूज करो और आपको मिलेंगे 1000 magic points जो कि इक्विवेलेंट होते हैं 1000 rupees के। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ और अभी डाउनलोड करो। बाकी आई गेस दिस इज इट फॉर टुडे, आई होप यू गाइस एंजॉयड टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड I'll catch you guys on to the next one. Peace.